गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, 10 मई 2020 मदर्स डे के दिन आज का लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ और टॉपिक भी उसी के अकॉर्डिंग चुना है। आपकी फ्लेमिंगो बुक का होम नंबर 1, माय मदर एट 66। माँ जिसके बिना हम अपनी दुनिया के बारे में सोच भी नहीं सकते, एक ऐसा व्यक्ति जो ना हो तो जिंदगी अधूरी सी लगती है। हमारी हर कही अनकही बात की जानकार हमारी माँ ही है। शायद कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें अपने बारे में नहीं पता, लेकिन माँ को हमारे बारे में पता होती है। एक बच्चे के लिए जितनी इम्पोर्टेंट उसकी माँ है, शायद कोई और नहीं। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है दुनिया में जिसे माँ की ज़रूरत ना हो। हमारी ज़िंदगी की शुरुआत, हमारी ज़िंदगी का अंत हमारी माँ से। तो आज की ये पोम, आज का ये लेक्चर सभी माताओं को समर्पित है। इसको ध्यान से सुनिएगा, इसमें कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें आज सीखने को मिलेंगे, उनको समझने की कोशिश करिएगा। शुरू करते हैं हमारा काम। कमला दास लेखिका जिन्होंने ये पोम लिखी है, वो रहती हैं कोचिन में। उनका बर्थ प्लेस है केरला का एक सिटी मालाबार। तो वो अपनी माँ से मिलने के लिए घर आई और वहाँ पर अपनी माँ से मिलने के बाद अपनी माँ के साथ ये एयरपोर्ट के लिए निकलती है। इनकी माँ इनको ड्रॉप करने के लिए साथ में निकलती है। कमला दास गाड़ी चला रही हैं, बाजू वाली सीट पे माँ बेटी सो गई है हल्की सी नींद में। तभी एक डर फैल जाता है कमला दास के मन में। वो डर क्या? वो डर हम सबके मन में होता है, माँ को कुछ हो ना जाए। तो जब वो देखती हैं कि उनकी माँ को गहरी नींद लग चुकी थी, तो एक पल के लिए उनको क्या लगता है कि कहीं माँ को कुछ हो तो नहीं गया। क्यों? क्योंकि उनकी माँ को हल्की सी नींद लग गई थी, मुँह थोड़ा खुला रह गया था, जो एजेड लोगों के अंदर कॉमन है सोते वक्त, आप देखा होगा आपने, उनका मुँह हल्का सा खुला रह गया था। उनका चेहरा कलरलेस, ऐश की तरह, राख की तरह, चेहरे पे कई सारे रिंकल्स हैं, शांत है और एक कॉर्पस यानी एक डेड बॉडी की तरह उनका चेहरा लग रहा था। एक पल के लिए कमला दास की धड़कन ही अटक गई, हे भगवान माँ को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, माँ नींद में है। लेकिन ये डर उनके मन से जा नहीं रहा, हे भगवान माँ को कुछ हो तो नहीं जाएगा, हम कितने भी बड़े हो जाएं, माँ को खोने का डर बना रहता है। हम दुनिया में सब कुछ खो सकते हैं, माँ को नहीं खो सकते। कमला दास उस वक्त अपने मन को बदलने के लिए, ख्यालों को बदलने के लिए खिड़की के बाहर देखती है। और बाहर क्या देखती है कि छोटे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और यूनिक चीज़ उनको रियलाइज़ होती है जो हम सब ने अपने बचपन में की हुई है। जब भी हम कार में, ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेड़ जो है वो दौड़ रहे हैं। हकीकत में हमारी गाड़ी तेज़ रफ्तार से चल रही होती है, लेकिन वो पेड़ दौड़ रहे होते हैं, हमें ऐसा लगता है। तो उन दो चीज़ों को देख के कमला दास को सर्कल ऑफ लाइफ रियलाइज़ होता है कि एक टाइम था कि उनकी माँ भी एक छोटी बच्ची रही होंगी, वहाँ से वो एक एजेड औरत बन चुकी हैं, 66 ईयर्स की हैं। दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। इस संसार में हर जन्मा व्यक्ति एक न एक दिन मृत्यु को पाएगा। इस दुनिया में कोई नहीं है जो हमेशा के लिए अजर अमर, हर इंसान को मरना है, कोई नहीं बच सकता। तो उस दुख को वो दबा जाती है। देन वो एयरपोर्ट पहुँचते हैं, वेटिंग लाउंज में वो अपनी माँ के साथ थोड़ी देर के लिए बैठती हैं। देन वो सिक्योरिटी चेक के लिए आगे जाती हैं और वो एयरपोर्ट के बोर्डिंग एरिया में चली जाती हैं। माँ सामने वेटिंग लाउंज में है, दोनों एक दूसरे को देखती हैं। कमला दास अपनी माँ की तरफ हाथ वेव करती हैं लेकिन कुछ कहती नहीं, अपने मन में जो डर है उसको छुपा लेती, मुस्कुराती हैं, हाथ वेव करती हैं और बाय अम्मा कहती हैं, स्माइल करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे अम्मा, मैं ज़रूर वापस आऊँगी, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी।
ये जानते हुए भी कि शायद ये आखिरी बार है कि उसकी उतनी माँ मा, अपनी माँ से मुलाकात हो रही है, शायद फिर से माँ के साथ मिलना ना भी हो, लेकिन क्या करें, इंसान उम्मीदों पे जीवित है। कमला दास भी इसी उम्मीद के साथ वहाँ से विदा लेती है कि बहुत जल्द मैं वापस आऊँगी और अपनी माँ से मिलूँगी। बेटा, हर वो व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हो वो एक न एक दिन इस दुनिया से चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसे। हमारे माता पिता के माता पिता भी इस दुनिया से गए, आज आप अपनी माँ से पूछिए अगर कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किसकी कमी खलती है, सबसे ज़्यादा किसकी कमी खलती है, वो कहेंगी माँ की कमी खलती है। लेकिन क्या उसी माँ की हमने कभी रिस्पेक्ट की है? ये सवाल खुद से ज़रूर कीजिए। अक्सर ये होता है कि हम माँ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हमारा तो बात करने का तरीका तक माँ से सही नहीं होता। लॉकडाउन है तो घर पे हैं, वरना कहाँ माँ के साथ समय बिताते हैं, बाहर घूमते हैं दोस्तों के साथ, हमारी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, सीधे मुंह बात नहीं करते, चिल्ला के बात करते हैं। याद रखिएगा, एक दिन वो भी आएगा जिस दिन सुबह होगी लेकिन माँ नहीं होगी। इसीलिए आज के लेक्चर के बाद अपनी माँ के पास जाएं, उन्हें कहें कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें बताएं कि आपकी माँ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। इंसान के चले जाने के बाद आप खूब उसके बारे में चैरिटी करिए, लंगर चलाइए, लोगों को खाना खिलाइए, डोनेशंस करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जीते जी उसके प्रति आपका प्रेम न्योछावर कीजिए, उसे बताइए फॉर वंस, एटलीस्ट वंस इन अ वीक, गो टू योर मदर, टेल हर दैट यू लव हर। उसको और कुछ नहीं चाहिए आपसे। इस दुनिया में सबसे निस्वार्थ प्यार देने वाला व्यक्ति आपकी माँ है। इसी बात के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। ये शॉर्ट लेक्चर था, उम्मीद करता हूँ कि पोम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसका PDF और नोट्स का PDF इस लेक्चर के बाद आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।